हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल जो है, तो हमारे पास वर्टिब्रेट की एक क्लास है जिसमें सारे के सारे रेप्टाइल्स मौजूद है। रेप्टाइल्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे जिसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है। तो रेप्टाइल्स की जो क्लासिफिकेशन है उस पर हमारा मेजर फोकस होगा इस लेक्चर में। तो इसकी हमारे पास चार मेजर ऑर्डर्स है रेप्टाइल्स की। पहला ऑर्डर है ऑर्डर टेस्टोडाइन्स, जिसको हम केलोनिया भी कहते हैं। इसमें हमारे पास जो एनिमल्स आते हैं वो है टर्टल्स। इसके बाद है हमारे पास इसका ऑर्डर जिसको स्फिनोडोंटिडा कहते हैं या रेंकोसिफेलिया कहते हैं। इसमें टुएटारास आते हैं, जो कि हमारे पास एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स ही हैं एक टाइप के। उसके बाद है ऑर्डर स्क्वामेटा। स्क्वामेटा में हमारे पास लिजर्ड्स और स्नैक्स आते हैं। इसके बाद है ऑर्डर क्रोकोडिलिया, उसमें हमारे पास सारे क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास के स्कोमोट। ये सारे लिविंग ऑर्डर्स हैं जो अभी हमने पढ़े। इसमें लिजर्ड्स हैं, स्नैक्स हैं। तो लिजर्ड्स हमारे पास टोटल 6,200 स्पीशीज है उनकी, जबकि स्नैक्स की हमारे पास 3,500 स्पीशीज हैं। इसके अलावा हमारे पास जो रेंकोसिफेलिया, जिसमें टुएटारास आते हैं, उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीशी है। केलोनिया जो है, उसमें टर्टल्स और टर्टॉयस आते हैं, उनकी टोटल 340 स्पीशीज हैं। क्रोकोडिलिया में हमारे पास क्रोकोडाइल, घड़ियाल्स, एलिगेटर्स, वो सब आते हैं, उनकी टोटल 25 स्पीशीज हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स। अच्छा, अभी हम करेंगे जनरल सर्वे ऑफ ऑर्डर टेस्टोडाइन, जिसमें हमारे पास टर्टल्स आते हैं। तो इसकी टोटल हमारे पास 300 स्पीशीज हैं टर्टल्स की। इनमें टीथ एब्सेंट होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि रेप्टाइल्स की कौन सी क्लास में टीथ एब्सेंट है भाई, तो आपने बता देना है कि टेस्टोडाइन्स में, टर्टल्स में। और इनके जो टीथ की जगह इनका रिप्लेस किया एक बीक मौजूद है, जो कि कैरेटनाइज है, टफ बीक है इनकी। इनका शेल जो है ना, उसके पीछे का जो हिस्सा होता है, जो टर्टल का होता है, जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, हार्ड सख्त सा, उस शेल के रीजन को कैरापेस कहते हैं। उसको कैरापेस कहते हैं जो बाहर सख्त सा निकला हुआ होता है, बाहर की तरफ बल्ज हुआ होता है, डोर्सल साइड पे, बैक साइड पे इनकी बॉडी के। और प्लास्ट्रोन क्या होता है, इनकी जो बेली साइड पे जो पोर्शन होता है शेल का, उसे प्लास्ट्रोन कहते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका में हमारे पास बॉक्स टर्टल है, जिसे टेरापीन कहते हैं। उसका शेल जो, इसमें फ्लेक्सिबल एरियाज है, जिसे हिंजेस कहते हैं, ठीक है। हिंजेस आर फ्लेक्सिबल जॉइंट्स। तो टर्टल्स में हमारे पास टोटल 8 सर्विकल वर्टिब्रे हैं। सर्विकल वर्टिब्रे यानी जो नेक रीजन में वर्टिब्रे होते हैं, वो टोटल 8 हैं टर्टल्स में। इसके अलावा एस शेप का स्ट्रक्चर वो वर्टिब्रे मिलके बनाते हैं। इनकी लाइफ स्पैन टेस्टोडाइन्स की काफी ज्यादा लंबी होती है, 14 ईयर या उससे भी ज्यादा टाइम तक ये जिंदा रहते हैं। हमारे पास बड़े टर्टल्स जो हैं गैलापागोस आइलैंड के, उनकी 100 ईयर से भी ज्यादा लाइफ स्पैन है। सेक्सुअल मेच्योरिटी को टर्टल 7 से 8 साल बाद पहुंचते, जब उनकी एज 7 to 8 ईयर्स हो जाती है, तब ये पहुंचते सेक्सुअल मेच्योरिटी को। अच्छा, ये जितने भी हैं ओविपैरस है, मींस ये एग लेइंग है। फीमेल जो है, तो पहले नेस्ट बनाती है सॉइल में, फिर अपने एग्स को सॉइल से कवर कर लेती है। उस एग्स, उसमें कितने एग्स होते हैं, 5 से लेके 100 तक एग्स वो ले करती है। अच्छा, और इनकी एग्स की डेवलपमेंट या तो 4 वीक्स में हो जाती, 4 वीक्स से लेके 1 ईयर के टाइम पीरियड में इनके एग्स की डेवलपमेंट होती। कोई पेरेंटल केयर नहीं है इनमें, ठीक है। और इन इनकी एक्सटिंक्शन हो रही है, इनमें हाई मोर्टेलिटी रेट है। क्यों? क्योंकि इनकी ज्यादातर प्रिडेशन बाकी एनिमल्स करते हैं, इनके एग्स को खाते हैं, इनपे फीडिंग करते हैं। इसके अलावा हंटिंग भी होती है टर्टल्स की, तो इस वजह से ये एक्सटिंक्ट हो रही है टर्टल्स हमारे पास, जो टेस्टोडाइन फैमिली के मेंबर्स हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट ऑर्डर टेस्टोडाइन।